शहर में पिछले कई दिनों से शुरू हुए सांप्रदायिक दंगों ने धीरे धीरे अब एक गंभीर रूप धारण कर लिया है। अब तक दंगों में कुल मिला के लगभग 600 लोग जख्मी हो चुके हैं और 240 लोगों की जानें जा चुकी हैं। आप माँ को फोन दीजिए। तेरा दिमाग खराब हो गया? परसों ही माँ को तू खुद यहाँ से ले गया था। मामा नहीं है भैया, माँ सुबह 5 बजे घर से निकल गई थी। माँ सुबह से गायब है और तुझे अब फोन करने की फुर्सत मिली है। अभी कुछ ही घंटे पहले इस चर्च के गेट के सामने एक हिंदू बुढ़िया को कुछ मुसलमान छोकरों ने पेट्रोल डालकर आग लगा ली। भैया क्या बिगाड़ा था वाले किसी का भैया, वो तो सिर्फ पूजा करने गई थी, आराम जाने रहते सिद्धा चला डाला। अजीब रिश्ता है उसका अपनी माँ से, अगर उन्हें कुछ हो गया ना कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वो। सोनिया, मेरे अंदर एक ऐसा जख्म है जिसे आज तक मैंने तुमसे छुपा के रखा। मेरी माँ की जिंदगी का एक ऐसा पहलू है जिसे मुझे खुद समझने में इतना वक्त लग गया। डैडी आपसे इसलिए शादी नहीं कर सके ना क्योंकि आप मुसलमान हैं। मजहब की ऊंची दीवारों को लांघने के लिए हम दोनों का कद बहुत छोटा पड़ गया। कुछ नहीं होगा माँ को जी, कुछ नहीं होगा माँ को। इस वक्त अगर हमें किसी की मौत से फायदा होगा तो वो होगा आनंद की माँ की मौत से। यही एक तुरुप का पत्ता है जिसे चल के हम सारी की सारी बाजी जीत सकते हैं। सुबोध तुझे अपने मतलब की इस्तेमाल कर रहा है। अजय जी आप क्यों अपने माँ बाप की गलतियों का तमगा अपने सीने पे लगा के घूमना चाहते हैं? देखिए आप खुद तो मरेंगे, अपने साथ 2-4 तो लोगों को और मरवाएंगे आप। दुनिया का कोई भी धर्म एक बेटे को अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने से नहीं रोक सकता।